नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय जायसवाल। यहां पर बात करेंगे गणित के टॉप 30 क्वेश्चन की बात करेंगे, जो आपके पैडागॉजी भी रहेगा, सिंपल क्वेश्चन भी रहेंगे, हार्ड क्वेश्चन भी रहेंगे, और कुल मिला के आपके नए पैटर्न पर क्वेश्चन रहेंगे, अपडेट क्वेश्चन रहेंगे। मॉडल पेपर है आपका, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या हो सकते इन्हीं यही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप चाहे EBS की तैयारी कर रहे हो, सभी के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, EBS के मिल जाएंगे, बाल विकास के मिल जाएंगे, आपका मैथमेटिक्स का मिल जाएगा। तो चलिए, पहला पार्ट मॉर्निंग में रिलीज हो चुका है, अपलोड हो चुका है, ये आपका सेकंड पार्ट है। ऐसे हम मॉडल पेपर आपके लिए 15 से 16 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट के लाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये होने वाला है, गोल्डन वीडियो होने वाला है। आप सभी भाई बहन से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना स्कोर जरूर बताएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 7867 में पहले सात के स्थानीय मान और अंतिम सात के स्थानीय मान का योगफल बतावे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, स्थानीय मान से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका। अब देखिए, पहला जो दिया है सात, यहाँ देखिए पहला सात का जो स्थानीय मान और अंकित मान पूछा गया, अंतिम सात का अंकित मान पूछा गया। तो आइए कैसे देखिए, विद सोल्यूशन यहाँ पर विजय सर लाते हैं, आपके लिए PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। प्रश्नानुसार 7867 में गिनती इकाई से शुरू होती, सभी लोग जानते हैं। तो इकाई में जो सात का पहले सात का स्थानीय मान सात ही होगा, क्योंकि इकाई में एक ही अंक होता है। अंतिम सात का अंतिम मान यहाँ पर पूछा गया है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, सात सात। एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, स्थानीय मान तो ठीक है, लेकिन जो अंकित मान होता है, अंकित मान क्या कहलाता है, वही संख्या होती है। किसी भी संख्या का अंकित मान पूछ लिया जाए तो आपको वही अंकित मान रखना है, स्थानीय मान नहीं। कि यहाँ पर आप सोचें इकाई ढाई सौ का हज़ार में आपका सातवां है, तो सात के बाद तीन जीरो लगा दें और फिर सात लिख दें, इनका योग बता दें कि भैया 7007 हो गया आपका योग, ठीक है। तो ये नहीं करना है, अंकित मान मतलब वही यहाँ पे करेंगे। तो पहले का स्थानीय मान आपका सात आया था, अंकित मान यहाँ पे सात का अंकित मान पूछा गया है, तो आपका सात है चौथा अंक जो है, ठीक है। तो 7714 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर भाई बहन कमेंट करेगा। जिसको PDF फाइल चाहिए, सभी के ऑल सब्जेक्ट के नीचे कमेंट करके जरूर बता देगा, PDF फाइल आप सभी लोगों को मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन है कि 0.0735 में तीन के स्थान पर मान कितना होगा, 0.0735 में तीन के स्थान पर मान कितना है। अब देखिए, तीन के स्थान पर मान कितना है, यह पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को ये लॉजिकल क्वेश्चन कहलाता है, ठीक है। जो मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होगा, हमारा प्लेलिस्ट या बेसिक मैथमेटिक्स देखा होगा वीडियो, तो वो भैया ये क्वेश्चन आँख बूंद कर बंद कर देगा। कैसे, आइए देखते हैं, क्योंकि प्रश्नानुसार पूछ रहा है भैया तीन गुणे तीन का गुणा कर देंगे, यहाँ पर 0.0001 कर देंगे, तो आपका कितना निकल आएगा, 0.003 निकल आएगा, यानी 3/1000 हो जाएगा। 0.1 के बाद कितने अंक है आपके, 3 अंक है, तो भैया नीचे आ जाएंगे, 3 0 आ जाएगा, 1 लिख देंगे, 3 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, तीन के स्थानीय मान, तीन के स्थान पर मान कितना आएगा यह पूछा गया है, ठीक है। तो हर भाई बहन यहाँ पे समझ गया होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। अब बात ये आएगी भाई, दशमलव के बाद संख्या दी गई, इसलिए यहाँ पे 3 0 यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है, 3 0 लगाया गया है, क्योंकि आपका दशमलव के बाद तीसरा अंक आपका 3 आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। व्यंजक आपका दिया है 18 सही 2/3 प्लस 19 सही 1/4, 4/3 ऋण 9 सही 3/4 ऋण 6 सही 8/3 ऋण 5 सही 2/3 का मान ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, पहले बात तो ये मिश्र भिन्न में दिया है, तो सभी को क्या करेंगे आप, संयुक्त भिन्न में कर लेंगे मिश्र भिन्न को, ठीक है। संयुक्त भिन्न में करने के बाद प्लस माइनस करेंगे, फिर आपका आंसर आएगा, यानी यहाँ पे लगभग आपका 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। अब हमें ऐसे सोलूशन चाहिए जो सेकंडों में सॉल्व हो, क्योंकि यहाँ पे सेकंडों में टाइम रहता है। अब देखिए, सेकंडों में कैसे सॉल्व होगा, सभी लोग हर भाई बहन ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए, ये आपका था क्वेश्चन। अब इसमें हमने क्या किया है कि जो आपका देखिए 2/3 है, 1/4 है, ये हमने क्या कर लिया है भैया, अलग कर लिया है, और इनको साथ में अलग कर लिया है,
ठीक है, बटे वाली संख्या अलग कर लिया है और इनको अलग कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे 18 आ गया, 19 आ गया, ये 9 माइनस 9, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, और यहाँ पे 2/3, 1/4, 4/3, और ये आपका आ गया 3/4, 8/3 और 2/9 इधर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या यहाँ बीच में प्लस किया है, मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि बटे वालों को अलग किया और सही जो अंक संख्या है उनको अलग कर लिया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा। इनका पहले एक सलूशन निकाल लीजिए, इनका जोड़ घटाना कर लीजिए, तो आपका 17 आ गया। अब इनका क्या करेंगे भैया, एलसीएम ले लेंगे, 3 4 3 4 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ गया। ठीक है, अब 12 में क्या करेंगे, 3 है यहाँ पे, 3 में भाग देंगे कितने भैया, यहाँ पर 12 है तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा ऊपर करते हैं 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 करेंगे 3 आएगा, 4 3 12, 3 1 कम ऊपर, 3 का गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। फिर करेंगे 3 का भाग 12 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 4 से कर देंगे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 16 होगा। फिर यहाँ पे देखिए चिन्ह जो ऋण का ऋण कर देंगे, उसी प्रकार यहाँ पे करते जाएंगे प्रक्रिया, आपका ये आ जाएगा और यही सरलीकरण होगा, यही आपका आंसर होगा। हर भाई बहन समझ गए होगा, नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है, इनमें से 29,642 पुरुष हैं, 28,167 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या है। ऑप्शन देखिएगा, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे ऑप्शन। चलिए आइए इसका सलूशन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है सलूशन के लिए कि प्रश्नानुसार देखेंगे। कुल यहाँ पे जनसंख्या आपका दी है 78,692 है, पुरुष और महिला आपके यहाँ पे कितना है, पुरुष यहाँ पे 29,642 है और महिला आपका 28,167 है, यानी कि टोटल आपका 57,809 हो गया महिला और पुरुष। अब देखिए टोटल जनसंख्या 78,692 है और महिला और पुरुष 57,809 है, इन दोनों क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो बच्चों की संख्या निकल आएगी, तो 20,883 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा मेहनत कर रहे हैं, जरूर आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भैया मेहनत करता है उसी को सिलेक्शन मिलता है। और अगर आप ऑल एवरेज सभी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर अटेंड करते हैं तो 120+ स्कोर आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे, ये भी आपका देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, सरलीकरण का क्वेश्चन है। ये देखिए 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस का दिया है 1,111, यानी कि 1,111 सही 1/2 दिया है। अब ऑप्शन देखना है आप सभी को, ठीक है, अब ऑप्शन देखकर यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका यहाँ पे सरल करेंगे। ये आपका देखिए क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का है। देखिए कैसे, मैंने पहले क्वेश्चन पे कहा था कि बटे वालों को अलग कर लेना है और जो आपका देखिए सही है, सही वाले में हो उनको अलग कर लेना है। तो 1,111 और 4,1 को इनको अलग कर लिया हमने, फिर बटो वालों का अलग कर लिया, 1/2 1/2 1/2 करके इनको अलग कर लिया। अब इनको क्या करना है, आपको प्लस कर लेना है अलग, तो एक कितना आ गया आपका देखिए 1,234 आ गया। 1/2 को यहाँ पर भी आप क्या है अलग से प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने यहाँ पर गुणा क्यों कर दिया है, ठीक है, पहले क्वेश्चन पे हमने प्लस किया था, इसमें गुणा किया था, या ये यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ये क्वेश्चन था इस पर हमने ने प्लस किया था, क्यों किया था प्लस यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस 2 पे यहाँ पे दिया गया है इसलिए हमने प्लस किया था। और इस पर यहाँ देखेंगे कि सभी संख्याएं जो है आपका देखिए जो इसमें 1/2 1/2 1/2 ये है, ये आपकी क्या आधार क्या समान है, आधार समान होने के कारण ही हमने यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन किया है और डायरेक्टली प्लस 2 कर दिया है, इसलिए आपका 1,236 आंसर आया। ठीक है, समझ लीजिएगा, अगर आपके बटे में सभी 1/2 1/2 सभी समान संख्याएं हो तो आपको मल्टीप्लिकेशन में कर देना है। अगर बटे में संख्या जैसे इस क्वेश्चन में असमान है, यहाँ पे देखे कोई देखे 2/3 है, कोई 3/4 है, 8/3 है, 2/3 है, यहाँ पर आपको फिर प्लस या माइनस जो भी चिन्ह हो वो करना पड़ेगा कॉमन लेकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी आपका देखिए सिंप्लीफिकेशन का है, यहाँ पे सरल वही क्वेश्चन है, ठीक है, उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। नीचे देखेंगे सभी में 7 7 7 है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक लगेगा। क्वेश्चन देखिएगा, 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7 का सरलतम रूप निकालना है।
अब देखिए इसका वही मैंने कहा कि देखिए 99 कितना है आपका, देखिए 6 बार आपका 999 है, तो 999 मल्टीप्लिकेशन 6 कर देंगे, ये इतना हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस पे दिया, तो प्लस हमने क्या कर लिया, इनका कॉमन कर लिया, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/6/7 ही आपका अलग कर लिया, ठीक है। अब करना है 999 मल्टीप्लिकेशन 6 का करेंगे, 5994 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका जो देखिए कॉमन क्या आ गया, 7 आएगा, ऊपर वाली संख्या जो दीजिए, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 कितना हो जाएगा भैया, 15 6 हो जाएगा, 21/7 आ गया। अब ये देखिए 1 7 आ गया, 7 का देखिए बहुत ही सिंपल सा है, 7 का काट देंगे, 21 से 3 आ जाएगा, और 5994 को 3 से प्लस करेंगे तो 5997 आ जाएगा, जो आपका राइट आंसर होगा। 5997 किस में है भैया, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हर भाई बहन कमेंट करेगा, समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें 45 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या जो है आपकी 60, 65, 75, 80 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें 45 जोड़ देने पर प्राप्त जो नई संख्या आए आपकी 5 अंकों की, 60, 65, 75, 80 से पूरी पूरी वह विभाजित हो जानी चाहिए। तो चलिए इसका सोलूशन देख लेते हैं। हर भाई बहन यहाँ पे सोलूशन देखा, बहुत ही सिंपल सा सोलूशन यहाँ पे निकाल के, एक प्रश्नानुसार 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 9999, यानी कि 5 बार 99 कर सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या आएगी। अगर सबसे छोटी संख्या यहीं पे पूछी जाती तो क्या हो जाएगा आपका, 50, यानी कि 10,000 यहाँ पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती, और सबसे बड़ी संख्या होगी 99,999, सबसे आपकी बड़ी संख्या कहलाएगी। ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है कि 60, 65, 70, 80 का क्या कर लेंगे हम, लासा लेंगे, यानी कि एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो भैया इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। एलसीएम लेने का ट्रिक बना रखा वीडियो अलग से, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। एलसीएम लेंगे तो इतना आ गया, तो आपका 21,840 एलसीएम आ गया। अब करना क्या है, जो आपका ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें भाग कर देंगे किसका, आपका जो एलसीएम आया है 60, 65, 70, 80 का भाग कर देंगे, तो 12,639 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि देखिए 60, 65, 70, 80 विभाजित होने वाली 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या का लघुत्तम एक लाभ का एलसीएम का चौथा गुणज होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि आपकी देखिए एलसीएम हमने इनका लिया था, ये कितनी अंक संख्याएं हैं, तो देखेंगे 1, 2, 3, 4 आपकी अंक लिखे हुए हैं यहाँ पे, 4 संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। तो लासा निकाल लिया, इनमें 4 का गुणा कर लिया, तो आपका देखिए आंसर क्या आ गया, 87,360 आ गया। अब क्वेश्चन में यह कह रहा था कि 45 यहाँ पे क्या है, जोड़ देने पर, क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए सभी लोग 45 जोड़ देने पर, हमने आप 45 जोड़ दिया, तो आपका देखिए आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो हर भाई बहन से निवेदन है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 88,977 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें से 13 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या 225, 250, 275 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये देखिए संख्या दिया कि 88,977 के निकटतम वह संख्या निकालना है आपको, जिसमें 13 घटाना है, पहले क्वेश्चन में क्या जोड़ा था 45, यहाँ पर घटाना है, ठीक है, और संख्याएं आपकी चेंज हो गई हैं। चलिए इसका सोलूशन भी देख लेते हैं, वही सोलूशन है, वही ट्रिक है, ठीक है, केवल आपका अंकों का हेर फेर है। यहाँ पर प्रश्नानुसार देखेंगे 225, 250, 275 क्या है, लासा निकाल लेंगे, ठीक है। अब इनका लासा निकालने के बाद क्या करेंगे, आपका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, टोटल 24,750 आ जाएगा। अब ये देखिए संख्या आपको क्या दी गई थी, 88,977 में हम क्या करेंगे, 24,750 का जो आपका लासा आया, एलसीएम आया है, उसका भाग कर देंगे, तो भैया 3 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा, 14,727 शेष बचेगा, क्योंकि जो शेष है वह भाजक आपका एलसीएम का 24,750 का आधा है, ठीक है। यानी कि अतः 88,977 की निकटतम संख्या बराबर लघुत्तम समर्थक चौथा गुणज हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग समझ रहे होंगे, पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे यह है कि 24,750 जो आपका निकल के आया था, ठीक है, उस पर हम करेंगे क्या, 4 का गुणज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 4 अंक यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई थी, तो वही आपका ट्रिक है। आपका टोटल आएगा 99,000, तो अभी संख्या क्या हो जाएगी, 99,000। क्वेश्चन में था कि +13 जोड़ देना है, घटा देने पर प्राप्त नई संख्या,
ठीक है, यहाँ पे 13 दिया गया, तो 13 घटा देने पर पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या किया है कि 13 जोड़ जोड़ दिया गया है। ठीक है, क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो निकटतम संख्या है लासा का चौथा आधा है, ठीक है, छोटी संख्या के कारण ही यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए नई संख्या आपकी ये निकल के आई है, पूरी पूरी विभाजित हो जाए जिसमें से 13 घटा देने प्राप्त नई संख्या जो है ये 225, 250, 200 पूरी संख्या विभाजित हो जाए। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जो आपका देखिए संख्या क्या निकल के आई है, मैं एक बता दूं आपको, संख्या निकल कर के आई है तो आपका राइट आंसर है 99,013 आ गया। ठीक है, 99,013 आपका आंसर आ रहा है, और क्वेश्चन था कि 88,977 की निकटतम संख्या ज्ञात करना जिसमें 13 घटा देने पर प्राप्त नई। अब इसमें आप देखिए 13 घटा देंगे, जैसे 90,013 में 13 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 225, 250, 200 पूरी पूरी आपका विभाजित हो जाएगा, यानी कि 99,000 में आपका 225, 250 और 275 से विभाजित कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों के समूह का औसत भार जो है आपका 60 किलोग्राम है। यदि कक्षा में सभी 50 नर विद्यार्थी का औसत 70 किलोग्राम है, नर मतलब यहाँ पे देखिए मनुष्य संबंधित है, नर विद्यार्थी मतलब मनुष्य है यानी कि बालक, ठीक है, 70 किलोग्राम है, तो कक्षा में कुल 100 लड़कियों का औसत भार क्या है? ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से है कि प्रश्न अनुसार 150 विद्यार्थियों का कुल भार हम निकाल लेंगे, 60 × 150, तो टोटल आपका 9,000 किलोग्राम टोटल विद्यार्थियों का आ गया 150। 50 नर विद्यार्थियों का भार टोटल औसत 70 है, तो 50 × 70 करेंगे तो 3,500 किलोग्राम आपका नर विद्यार्थियों का भार निकल के आएगा। अगला देखेंगे, अतः शेष 100 लड़कियों का कुल भार निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 9,000 आपका 150 विद्यार्थी का है और आपका 50 नर का निकल आया, दोनों का माइनस कर देंगे तो आपका क्या 100 लड़कियों का जो है औसत भार निकल के आ जाएगा। अतः लड़कियों का औसत भार आपका निकल आएगा कितना, 55 है, टोटल लड़कियां 100 है, बटे 55, 100/100 कर लेंगे, 55 किलोग्राम आपका औसत भार लड़कियों का निकल आएगा, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 55 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 10 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत लंबाई 105 सेंटीमीटर है, यानी 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत लंबाई जो दी गई है 105 सेंटीमीटर है। कक्षा में 20 छात्र आ जाने से कक्षा की कुल औसत लंबाई 115 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी कि पहले 10 छात्र होते हैं तो 105 सेंटीमीटर औसत होती है लंबाई, 20 छात्र और जाते हैं यानी कि 20 छात्र और आ जाने से कक्षा की कुल जो औसत लंबाई होती है वो आपकी 115 सेंटीमीटर हो जाती है। तो बाद में कक्षा में आने वाले छात्रों की औसत लंबाई क्या है? ठीक है, चलिए आइए इसका सलूशन देख लेते हैं। देखिए देखिए पूर्व हर भाई बहन यहाँ पे देखेंगे कि पूर्व में कक्षा के सभी छात्रों की कुल लंबाई क्या होगी। भैया पहले 10 छात्र थे, औसत 105 था सेंटीमीटर, तो 10 × 105 कर लेंगे तो 1050 सेंटीमीटर पहले पूर्व यानी कक्षा में जो 10 छात्र थे उनका टोटल आ गए लंबाई 1050 सेंटीमीटर। इसके बाद 20 छात्र नए आए, जिसके बाद कुल छात्र की लंबाई क्या हो गई, 30 × 115 हो गई, यानी टोटल छात्र पहले 10 थे, 20 और आ गए, छात्र 30 हुए और आपका औसत लंबाई बढ़कर 115 हो गया, तो 30 × 115 कर लेंगे तो 3450 सेंटीमीटर आपका निकल के आ गया 30 छात्रों का कुल लंबाई। अब करेंगे क्या है, पूर्व में 10 छात्रों का कुल लंबाई 1050 है और 30 छात्रों का कुल लंबाई यहाँ पे 3450 है, दोनों का माइनस कर लेंगे तो 20 नए छात्र की लंबाई माइनस पूर्व में 10 कक्षा में प्रवेश छात्रों की लंबाई बराबर आपका निकल के आ जाएगा, नए के जो औसत है उनका निकल के आएगा 2400 सेंटीमीटर। नए छात्र कितने आए हैं, 20 आए हैं, तो 2400/20 कर देंगे तो आपका 120 औसत निकल आएगा सेंटीमीटर, जो नए छात्र 20 आए उनका जो क्वेश्चन पूछा गया था तो 120 आ गया। तो हर भाई बहन समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात 5:6 तो लाभ प्रतिशत होगा। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल और विक्रय मूल के अनुपातों का दिया गया है लाभ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत देखिए कैसे निकालेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीका है सॉल्व करने का। देखिए क्वेश्चन है, चूँकि क्रय मूल अनुपाते विक्रय मूल यानी 5:6 है, अतः क्रय मूल 5 तथा विक्रय मूल 6 है, तो पर लाभ क्या होगा? भैया क्रय मूल कितना हो, क्रय मूल मतलब होता है ख़रीदा, 5 रुपये में हमने ख़रीदा और क्या हुआ, 6 रुपये में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ भैया, 1 रुपये का लाभ हो गया हमें। तो
तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, कुल लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल। तो कुल लाभ 1 हुआ है और गुणे 100, क्रय मूल आपका 5 है तो 100 बटे 5 हो गया, तो बराबर आपका 20% क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो कौन आंसर क्या होगा, 20%। यदि क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात 5:6 हो तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका, 20% हो जाएगा। हर भाई बहन नीचे कमेंट करेगा, क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, अगला प्रश्न देखेंगे। 10 कुर्सियों का मूल 4 मेज के मूल के बराबर है। 10 कुर्सियों का मूल जो है आपका 4 मेज के मूल्यों के बराबर है, तो 15 कुर्सी और 2 मेजों का कुल मूल 4,000 है। अब देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, 10 कुर्सियों का मूल जो है, 10 कुर्सियों का मूल क्या है, 4 मेज के बराबर है, ठीक है, और आपके 15 कुर्सियों का मूल और 2 मेजों का कुल मूल 4,000 है, यानी 15 कुर्सी और 2 मेजों का मूल टोटल कर दिया तो 4,000 है, तो 12 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य निकालना है। आइए देखिए क्वेश्चन, बहुत ही कठिन क्वेश्चन है और हाई लेवल का क्वेश्चन है, आपके सी टेट, एम पी टेट, रीट में, यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सोल्यूशन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, देखिए समझिएगा, हर भाई बहन समझेंगे। माना एक कुर्सी का क्रयमूल एक्स मान लेंगे तथा एक मेज का क्रयमूल वाई मान लेना है, ठीक है। एक कुर्सी का एक्स मान लीजिए, एक वाई का वाई मान लेना है, ठीक है, एक मेज का वाई मान लेना है। तो 10 कुर्सी बराबर 4 मेज दिया था, यानी 10x बराबर 4y हो गया, और दूसरे में दिया था 5 कुर्सियाँ और 2 मेज, तो 5x और 2y हो गया। अब करना क्या है, 5x 2y यहीं से लेंगे, ठीक है, तो आप लोगों क्या आ जाएगा, 5x 2y बराबर आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, कर देंगे, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाएगा, इधर पक्षांतरण हो जाएगा, तो पहला समीकरण बन गया। फिर दूसरा समीकरण 15x 2y बन जाएगा बराबर 4,000, क्योंकि क्वेश्चन में आपके दिया गया है कि 15 कुर्सियां और 2 मेजों का मूल 4,000 है, तो x हमने कुर्सी माना था, y हमने मेज माना था, तो 15x 2y बराबर 4,000 हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, जब समीकरण को जोड़े देंगे तो 15x और कितना हो जाएगा, 5x बराबर आपका 20x हो जाएगा, ऋण 2y 2y क्या करेंगे, दोनों कट जाएंगे, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 4,000 में 0 जोड़ेंगे तो 4,000 ही बचेगा, ठीक है, तो 20x बराबर 4,000 आ गया, तो x बराबर 4,000/20 आ जाएगा, यानी x वैल्यू 2 आ गई, यानी कुर्सी की कीमत कितनी हो गई, 200 रुपये निकल कर आ गई, तो एक हमारी निकल के आ गई कुर्सी। अब देखिएगा बहुत ही सिंपल है, 2y बराबर 5 कितना है, 2y बराबर 5x है, यानी 2 मेज बराबर 5 कुर्सियों के बराबर है, तो कुर्सी की वैल्यू 200 आ गई, तो 2y बराबर 5 × 200, एक कुर्सी का मूल 200 है, तो 200 कर दिया। फिर y बराबर क्या करेंगे, 5 × 200 कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ गया, 5 × 2 = 10, यानी 1,000 आ गया। अब y है, 1,000/2 करेंगे तो 500 आ गया, यानी अतः 12 कुर्सियां और 3 मेजों का मूल क्या निकल के आ गया, 12x 3y कर लेंगे, 12x आपका कुर्सी है जिसका मूल 200 रुपये है, y आपका मेज है जिसका मूल 500 निकल के आया है, तो 12 × 200 कर देंगे 2400 आ गया, और 3 × 500 कर देंगे 1500 आ गया, दोनों को प्लस कर देंगे 3900 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि 12 कुर्सी और 3 मेजों का मूल क्या होगा, तो 3900 आपका आंसर हो जाएगा। हर भाई बहन को समझ में आ गया तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, जिसको पीडीएफ फाइल चाहिए नीचे कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के 2 गुने के बराबर हो जाएगी। मान लीजिए कोई कितना समय है, कोई धनराशि है, उस पर साधारण ब्याज क्या है, 15% की वार्षिक दर से स्वयं के 2 गुने के बराबर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए माना जो धन राशि है पी मान लेंगे, यानी कि मूलधन जो आपका पी हो गया, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। समय कैसे निकाला जाता है, 100 × p यानी मूलधन बटे पी गुणे साधारण ब्याज गुणे 15 कर लेंगे, बराबर 100/15 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, 100/15 यानी कि 20/3 आ गया, यानी 6 सही 2/3 वर्ष क्या निकल के आ गया आपका, क्या निकल के आ गया, हर भाई बहन बताएगा क्या निकल के आ गया आपका, समय निकल के आ गया। समय निकालना है तो कितना आ गया, 20/3 आ गया, यानी 6 सही 2/3 आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20% वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कोई मान लीजिए राशि है साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में उसकी दर से साधारण ब्याज वह 2 गुनी होगा,
ठीक है, 3 गुनी हो जाएगा, कितने वर्ष में 2 गुनी होगा, यानी 20 वर्ष से कम समय लगेगा। जब कोई भी राशि 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 2 गुना करने के लिए 20 वर्षों में कम लगेगा वर्ष। तो चलिए ये देखते हैं कितना लगेगा। क्वेश्चन देखिए, माना धनराशि हमने एक्स मान लेना है, चूंकि 20 वर्षों में वह 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज पर क्या हो जाएगा, 3x ऋण x कर लेंगे तो 2x आ जाएगा। 3 वर्षों में 1 वर्ष घटा लेंगे तो 2x, यानी कि 2 वर्ष का हमें निकालना है, इसलिए 2x ले लिए। दर निकाल लेंगे 100 × 2x बटे एक्स 20 कर लेंगे, 10% आ जाएगा। पुनः दूसरी शर्त क्या है आपकी, मूलधन एक्स है, साधारण ब्याज एक्स है, तो समय कैसे निकालेंगे, 100 × मूलधन × साधारण ब्याज × 10 कर लेंगे, 10 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कोण समकोण के बराबर है। समकोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री कौन है भैया, समकोण को ही 90 डिग्री कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कोण न्यून कोण नहीं है। ठीक है, न्यून कोण नहीं है, न्यून कोण कब किसे बोलते हैं भैया, न्यून कोण होता है 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। 0 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है, और आपके 90 डिग्री से छोटा होता है, वो आपका न्यून कोण कहलाता है। तो चलिए ये ऑप्शन में देखते हैं, तो देखिए जो -40 डिग्री दिया है तो ये आपका न्यून कोण नहीं है, क्योंकि 0 से छोटा हो गया, बाकी 40, 90, ये आपके तीनों क्या हैं, फर्स्ट थर्ड फोर्थ आपके न्यून कोण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चतुर्भुज का परिमाण का आधा विकर्ण से छोटा होता है, यह कथन है। चतुर्भुज का जो परिमाण होता है वह आधा विकर्ण से छोटा होता है, बिल्कुल सत्य है, जिसे चतुर्भुज का ये परिमाप हो गया आपका। ठीक है, ये परिमाप होता है, कह रहा आधा विकर्ण से छोटा होता है, आधा जो विकर्ण होता है उससे छोटा होता है, यह कथन आपका क्या पूर्णतः सत्य है। ठीक है, चतुर्भुज का परिमाप का आधा विकर्ण से छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है, विकर्ण से जो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपके क्या होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण आपस में समान होता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे कि 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम हटाने पर होता है, बहुत ही अच्छा है, देखिए लॉजिकल वाला क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि बड़ा है, अब देखिए इसका सोल्यूशन देख लीजिए तो बहुत ही सिंपल छोटा लगने लगेगा, क्योंकि 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 12 मीट्रिक टन हो गया और 8 क्विंटल यानी 800 किलोग्राम हो गया। 12 मीट्रिक टन मतलब हो गया भैया 100, कितना हो गया 12000 किलोग्राम। ठीक है, 12 मीट्रिक टन, ठीक है, 1000 का कितना होता है 1 मीट्रिक टन होता है, तो 12 मीट्रिक टन में 12000 हो जाएगा। ठीक है, और 8 क्विंटल यानी 800 किलोग्राम, यानी कि 12800 किलोग्राम ये आपका हो गया, 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम, तो 8000 किलोग्राम ये हो गया प्लस 50 किलोग्राम ये हो गया, तो 8050 ये हो गया, तो अभीष्ट उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 12800 माइनस 8050 किलोग्राम दोनों का माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 4750 किलोग्राम आ जाएगा। इसको हमें क्या निकालना है, देखिए 4000 है तो 4 मीट्रिक टन हो जाएगा, 700 में है तो 7 क्विंटल कर देंगे, 50 किलोग्राम कर देंगे, यानी 4 मीट्रिक टन, देखिए 4 मीट्रिक टन बराबर होता है आपका 4000 किलोग्राम हो जाएगा, केजी हो जाएगा, 7 क्विंटल में कितना हो जाएगा भैया 700 केजी हो जाएगा, और 50 किलो में तो 50 केजी हो जाएगा, तो आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखेंगे सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और उसका इसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। सभी लोग जानते हैं कि जो आयत की चौड़ाई होती है विकर्ण का स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर होता है। चौड़ाई निकाल, देखिए लंबाई दिया हुआ है हमें, चौड़ाई निकालना है, विकर्ण से हम चौड़ाई निकाल लेंगे, चौड़ाई बराबर होता है अरूढ़ के अंदर विकर्ण का वर्ग ऋण लंबाई का वर्ग कर देंगे तो आपका क्या चौड़ाई निकल के आएगा। देखिए तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है, तो 2 गुणे 8 धन 6 कर लेंगे। ठीक है, तो 2 गुणे 8 6 14 हो जाएगा, तो 14 × 28 आपका क्या निकल के आएगा, 28 आपके परिमाप आयत का परिमाप निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल्स दी और उन्हें सभी संभव आयतों को व्यवस्थित करने के लिए कहा। टाइल्स यानी कि टाइल्स जो होती है फर्श में लगाई जाती है। इस क्रियात्मक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर देखिए आयतन का नहीं किया जा सकता। ठीक है,
क्योंकि देखिए आयतन और त्रिविमीय आकृतियां में पाई जाती हैं, आयतन जो होता है त्रिविमीय आकृतियों में पाई जाती हैं, अतः प्रश्न में दिए गए क्रियाकलाप द्वारा आयतन को संबोधित नहीं किया जा सकता, गुणनफल क्षेत्रफल और गुणनखंड आपका किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सभी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न रहेंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ पर, कि एक बच्चा जिस व्यवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है, तो वह आपकी संक्रियात्मक अवस्था होगी। क्योंकि जब बच्चा सभी संक्रियाओं को करने में सक्षम हो जाता है तो वह संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार पर निर्माण करता है और शिक्षार्थियों को 48 घंटे में दिए गए कालमों में कालम जो दिए गए हैं भाग संबंधी कोई तथ्य लिखने को लिए कहता है, तो ये आपका गणितीय दीवार हो गया। ठीक है, इस गतिविधि में यहाँ पे देखिए अंकित दिया है, अंकुर दिया है, बबीता और बॉबी दिया है, नाम दिया है यहाँ पर, यह भाग की संक्रिया दिया है। ठीक है, ये गणित की दीवार है आपकी। प्रज्ञा, ध्रुव, राहुल, सोहन, ये सभी नाम दिए हैं, गतिविधि शिक्षक की सहायता कर सकती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, शिक्षक की प्रत्येक जो बच्चे होंगे अभिव्यक्ति के और एक दूसरे के सीखने के अवसर देने में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के अवसर देने में आपके लिए क्या है, 48 कालमों के भाग संबंधी यहाँ पे गणितीय दीवार की है ना, भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये कालम जो है शिक्षार्थियों के 48 घंटों में दिए गए कालमों में भाग संबंधी कोई दो तथ्य लिखने के लिए कहते हैं, तो दो तथ्य यहाँ पे लिखा गया है अंकित और अंकुर के कालम में देखेंगे, तो यह जो गतिविधि है शिक्षक की सहायता कर सकती है, तो जो प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्त के और एक दूसरे के सीखने के अवसर देने में सहायता कर सकती है। ठीक है, अगला, क्योंकि अगला प्रश्न देखेंगे, हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा चार के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई है, कक्षा चार के छात्र हैं उनकी शब्द समस्या क्या है, कि मुंबई ने 336 बस स्टाफ है, मुंबई में है कितने 336 बस स्टाफ हैं, दिल्ली में 127 बस स्टाफ हैं, स्टाफ अधिक है, दिल्ली में कुल कितने बस स्टाफ है, यानी कि देखिए मुंबई में 336 हैं तो 127 मुंबई से अधिक होंगे, तो देखिए यहाँ पर बताना है आपको कि दिल्ली में कुल कितने बस स्टाफ हो गए। तो छात्र ने उपर्युक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा कि 336 मुंबई में और 336 127 दिल्ली में लिख दिया, यानी कि दिल्ली में कुल कितने हो गए 463 बस स्टाफ। तो शिक्षक द्वारा इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा, तो जो रिपोर्ट देगा वह है छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करना है, 5 + 3 दिया है बराबर क्वेश्चन मार्क है, इस सीमित ऋण उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त ऋण उत्तर प्रश्न होगा, 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 8 प्राप्त हो। ठीक है, कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन बनेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोई दो ऐसी संख्या बताइए जिनका 8 है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यही लेवल, यानी कि 5 और 3 यदि कोई मुक्त उत्तर हो तो इसका प्रश्न होगा कि कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो, मुक्त प्रश्न यहाँ की बात की गई है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन सही होगा, यदि ठीक है कौन सा ऑप्शन होगा, कोई ऐसी दो संख्याएँ बताइए जिनका योग 8 है, क्योंकि मुक्त यहाँ पर मुक्त प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है, मुक्त अंत वाला प्रश्न यहाँ पे बताना है, तो मुक्त अंत वाला वह प्रश्न होता है जैसे 2.7 से बड़ी कोई चार संख्याएं लिखो। ठीक है, अब बात आती है मुक्त संख्या को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि देखिए जो 2.7 से बड़ी संख्या अनंत होती है, ठीक है, यहाँ पर संख्या लिखी नहीं गई है, चार संख्याएँ लिखो यानी कि अनंत कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं, तो क्या है जो ऐसा हो अनंत की जिसका कोई हमें ज्ञान न हो सीमित न हो उसे हम मुक्त अंत वाला प्रश्न कह सकते हैं, मुक्त अंत वाली संख्या कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कक्षा 5 की पाठ पुस्तक में से एक सवाल आया कि यहाँ 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 235 सेंटीमीटर है, यदि उनमें मापन की लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी, यह सवाल के पूछा गया था, यह सवाल किसके लिए पूछा गया था, तो यह सवाल है सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कक्षा तीन की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है कि निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है दूध बेचेगा। भैया हर बहन भाई के लिए है कि उपर्युक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक छेद के किस दशक की ओर संकेत है। तो भैया यहाँ पे विश्लेषण पर छेद किया गया है, क्योंकि एक दूध वाला है 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, तो एक दिन में कितने लीटर दूध बेचेगा यहाँ पर क्या गया, विश्लेषण किया गया है। क्योंकि ब्लूम के संज्ञानात्मक छेद की किस दक्षता पर देखेंगे तो विश्लेषण है, क्योंकि जो प्रश्न है ब्लूम के संज्ञानात्मक छेद की विशेषता है दक्षता की ओर संकेत करता है। किसकी ओर, दक्षता की ओर संकेत करता है। कौन प्रश्न जो बूल के संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसकी दक्षता, विश्लेषण जो है ब्लूम के संज्ञानात्मक छेद की दक्षता की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, एक ही अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं, अगर एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है उसकी क्या विशेषताएं हो सकती है, तो उसकी अच्छी विशेषता होगी कि उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो। फिर दूसरा है, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया हो सकता है। ठीक है, दो ऑप्शन सही होंगे, पहला और दो ही सही होगा। अगला प्रश्न है, ठीक है 30 29 क्वेश्चन हो चुके हैं, 30वां क्वेश्चन है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। क्योंकि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों ने जिस भी प्रकार से भी प्रश्नों को समझा है उसमें कोई पद भूल तो नहीं रहा है, अर्थात बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना है। तो हर भाई बहन नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा आपका स्कोर कितना हो, वीडियो कैसा लगा हो, इसको पीडीएफ फाइल पाना चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए, लाटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, अपडेट क्वेश्चन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं।